भी कहीं राम कथा कही जाती है, राम भक्त हनुमान सदा विराजमान रहते हैं। ऐसे ही एक राम भक्त थे तुलसीदास। उन्हें एक दिन एक प्रेत ने कहा कि जहां कहीं राम कथा होती है वहां श्री हनुमान जी अवश्य किसी न किसी रूप में विराजमान रहते हैं। उनसे आशीर्वाद लो, वही तुम्हें प्रभु राम के दर्शन करा सकते हैं। तुलसीदास जी ने राम कथा सुनते हुए देखा कि एक भक्त रोजाना कथा सुनने आते हैं और पूर्णतया भक्ति भाव में मुग्ध होकर राम कथा सुनते हैं। तुलसीदास जी को लगा कहीं यही तो मेरे प्रभु राम के भक्त श्री हनुमान तो नहीं है। वही लावण्यमय तेज तेजस्वी चेहरा भक्ति रस से भरा हुआ हो न हो, यही मेरे प्रभु राम के भक्त श्री हनुमान है। बोल सियावर रामचंद्र की। तुलसीदास जी ने देखा कि वे तेजस्वी पुरुष प्रसाद ग्रहण करके एक तरफ को चल दिए और तुलसीदास जी भी उन्हीं के पीछे हो लिए। प्रभु, अरे वत्स, ये क्या कर रहे हो? मैं तो एक ब्राह्मण हूँ, मेरे पैर क्यों पकड़ रहे हो? आप ग्रामीण नहीं हैं, ग्रामीण के रूप में एक महान आत्मा है। मैं कई दिनों से आपको देख रहा हूँ और इस निर्णय पर पहुंचा हूँ कि आप और कोई नहीं मेरे प्रभु राम के भक्त श्री हनुमान जी हैं। आप मुझ ब्राह्मण पर कृपा करके अपने वास्तविक स्वरूप के दर्शन दीजिए, तभी मैं आपके चरणों को छोड़ूंगा। अरे मैं तो एक साधारण ब्राह्मण हूँ, राम कथा सुनकर मन को शांति मिलती है इसलिए बार बार सुनने आ जाता हूँ, पर तुम मुझे कुछ और समझ बैठे। मेरे पैर छोड़ो और श्री राम का नाम लो, वही सबके पालनहार है। प्रभु, मुझे निर्बल जानकर आपने पैर तो छुड़ा लिए, लेकिन इस हृदय से अपने आप को कैसे छुड़ा पाएंगे? प्रभु प्रभु प्रभु, मुझे विश्वास है कि आप ही श्री हनुमान हैं। यदि अब भी आप मुझे दर्शन नहीं देंगे तो मैं यहीं अपने सर पटक पटक के प्राण दे दूंगा। आपको अपने प्रभु श्री राम की सौगंध। श्री राम की सौगंध, श्री राम की सौगंध, श्री राम की सौगंध है, श्री राम की सौगंध है, श्री राम की सौगंध है। प्रभु आप धन हैं, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरी एक और इच्छा पूरी कर दीजिए, श्री राम कथा सरल शब्दों में जनमानस तक पहुंचाना चाहता हूं। आप तो श्री राम के निकटतम रहे हैं, कृपया अपने मुख से भगवान श्री राम की कथा सुनाइए। ठीक है वत्स, मैं तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। कभी कभी श्री राम को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार राम के वट की नाव चढ़े। अब
अवध छोड़ प्रभु बन को धाए। सिया राम लखन गंगा तट आए, केवट मन ही मन हर्षाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे केवट मगन खड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी श्री राम को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार राम केवट की नाव चढ़े। इन पंक्तियों में अहिल्या उद्धार का संकेत है। एक बार भगवान राम के चरण एक पत्थर को लग गए और पत्थर ने नारी का रूप ले लिया, अहिल्या उद्धार हो गया। भोला भाला केवट, उसने बात सुनी हुई थी तो उसके मन में एक शंका बैठ गई कि अगर भगवान राम के चरण मेरी नाव को लग गए तो कहीं मेरी नाव भी नारी ना बन जाए। तो देखिए उसने अपने भोलेपन में भगवान से क्या कहा। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, अरे पार हमें केवट पहुंचाओ। केवट बोला सुनो हमारी, चरण धूल की माया भारी। मैं गरीब नैया मेरी नारी ना होए पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी श्री राम को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार राम केवट की नाव चढ़े। केवट दौड़ के जल भर लाया, चरण धोए चरणामृत पाया। वेद ग्रंथ जिनके यश गाए, केवट उनको नाव चढ़ाए। बरसे फूल गगन से ऐसे भक्त के भाग बढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी श्री राम को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार राम केवट की नाव चढ़े। चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। केवट ने पार उतार दिया। भगवान राम सोचने लगे केवट का तो यही काम है, इसी से इसका परिवार चलता है, तो कुछ मजदूरी देनी चाहिए। लेकिन बनवासी राम कुछ था ही नहीं, देते क्या। सीता जी को संकेत किया और सीता जी ने एक मुद्रिका केवट को देनी चाहिए। केवट ने मना कर दिया। केवट बोला प्रभु मैं तो आपका जन्म जन्म का भक्त हूं, मैं आपसे कुछ नहीं ले सकता। भगवान राम ने कहा केवट ले लो, ये मजदूरी है। केवट बोला नहीं प्रभु, हमारा आपका एक ही काम है, हम दोनों एक दूसरे से लेन देन नहीं कर सकते, ये नियम है। भगवान राम को बड़ा आश्चर्य हुआ, कहने लगे जरा हमें भी बताओ कि हमारा तुम्हारा काम एक कैसे हो गया। तो केवट कहने लगा नाई से ना नाई लेत, धोबी से ना धोबी लेत, देखे मजूरिया ये जाति को न बिगाड़िए। प्रभु आए मोरे घाट तो पार मैंने उतार दीने, जब आऊंगा मैं तोरे घाट तो पार मोही उतारियो। चली नाव गंगा की धारा, सिया
सीता राम लखन को पार उतारा। प्रभु देने लगे नाव उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई। पार किया मैंने तुमको अब तू मोहे पार करे, पार किया मैंने तुमको अब तू मोहे पार करे। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। कभी कभी श्री राम को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार राम के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार राम के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार राम के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार राम के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार राम के वट की नाव चढ़े। पंचवटी की मनमोहक छटा में एक सुंदर सुनहरे मृग को देखकर सीता जी मुग्ध हो उठी और प्रभु राम से कहने लगी, स्वामी स्वामी मैंने अभी अभी कंचन मृग देखा है, मुझे उसकी मृगशाला लाकर दीजिए ना। सीते, इस दंडक वन में मायावी राक्षस नित नई माया रचते रहते हैं। तुमने कभी सोने के मृग का नाम भी सुना है? क्या आप मेरी इतनी सी इच्छा पूरी नहीं करेंगे? हट करना अच्छा नहीं सीते। नहीं स्वामी, मुझे कंचन मृग की मृगशाला चाहिए ही। तुम हट कर रही हो तो जाता हूं। लक्ष्मण। प्रभु। जानकी का ध्यान रखना। जैसी आज्ञा प्रभु। लक्ष्मण सीते मुझे भैया संकट में है, उन्हें संकट से बचाओ। नहीं मातेश्वरी, मेरे भाई पर कभी कोई संकट नहीं आ सकता। यह अवश्य किसी मायावी का कपट है जो मेरे भाई की आवाज में बोल रहा है। तुम्हारे भैया संकट में है और तुम बातें बना रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे प्रति जो तुम्हारे विचार है वो नीच है? मातेश्वरी, सगा भाई भी इतना नीच हो सकता है? इसका मुझे आज पता चला। मातेश्वरी, मैंने तो आज तक आपके सिर्फ चरण कमल ही देखे हैं। मातेश्वरी, आपके प्रति नीच विचार आने से पहले लक्ष्मण इस दुनिया में नहीं रहेगा। लक्ष्मण ने सर्वदा सीता को माता के समान माना है। मातेश्वरी, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, इस पर्ण कुटी के बाहर खींची लक्ष्मण रेखा को किसी भी स्थिति में पार नहीं करें। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। अभी नहीं महाराज। लीजिए महाराज। हम बंदी भिक्षा नहीं लेते देवी। क्षमा कीजिए महाराज, मैं इस रेखा को पार नहीं कर सकती। तो क्या भिक्षुक आपके घर से खाली हाथ जाएगा? अच्छा, तो हम चलते हैं। ठहरिए महाराज। इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करें, इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करें, इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करें, इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करें। क्या सोच रहे हैं देवी? सीते, सीते मैया, सीते, मैया, सीते,
सीता मैया कहाँ गई सीते, कहाँ गई सीते? प्रभु सीते मैंने तो जाते समय यहाँ रेखा खींची थी और माताजी से विनंती की थी कि इसे पार न करें, फिर मैं कैसे गई और कहाँ गई? सीता को ढूंढना होगा, चलो लक्ष्मण। सीता मैया को कुटिया में न पाकर प्रभु राम व्याकुल हो गए और लक्ष्मण जी के साथ सीता मैया को ढूंढने निकल पड़े। दर्शन की ओ प्रभु दर्शन की अंतर मन में खुशियां लिए अपार, चुने हुए फूलों से शबरी रोज सजाए द्वार, चुने हुए फूलों से शबरी रोज सजाए द्वार, प्रभु दर्शन की अंतर मन में खुशियां लिए अपार, चुने हुए फूलों से शबरी रोज सजाए द्वार, चुने हुए फूलों से शबरी रोज सजाए द्वार। प्रातः से ही अंतर मन में भजती थी प्रभु नाम, आएंगे मेरी कुटिया में किसी दिवस श्री राम, प्रातः से ही अंतर मन में भजती थी प्रभु नाम, आएंगे मेरी कुटिया में किसी दिवस श्री राम, बना लिया था उस भक्तन ने प्रभु दर्शन आधार, चुने हुए फूलों से शबरी रोज सजाए द्वार, चुने हुए फूलों से शबरी रोज सजाए द्वार, प्रभु दर्शन की अंतर मन में खुशियां लिए अपार, चुने हुए फूलों से शबरी रोज सजाए द्वार, चुने हुए फूलों से शबरी रोज सजाए द्वार। भक्ति भाव से जंगल के वो बीन रही थी देर, प्रभु आएंगे भोग करेंगे इनका देर सवेर, भक्ति भाव से जंगल के वो बीन रही थी देर, प्रभु आएंगे भोग करेंगे इनका देर सवेर, सोच रही थी शबरी होगा तब मेरा उद्धार, चुने हुए फूलों से शबरी रोज सजाए द्वार, चुने हुए फूलों से शबरी रोज सजाए द्वार, प्रभु दर्शन की अंतर मन में खुशियां लिए अपार, चुने हुए फूलों से शबरी रोज सजाए द्वार, 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 चुने हुए फूलों से शबरी रोज सजाए द्वार। प्रभु श्री राम, आज इतने बरस बीत गए पर आप नहीं पधारे, जब तक सांस है तब तक आस है, आपको एक बार तो इस अभागन को दर्शन देने ही होंगे।
मैया। पधारिए महानुभाव, आप कौन हैं? मैं दशरथ पुत्र राम हूँ और ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं। अरे मेरे प्रभु, आप कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहे? मेरा जीवन धन्य हुआ। आइए प्रभु, आइए। आज मेरा जीवन सफल हो गया प्रभु। राजी प्रभु, आप बहुत थक गए होंगे, विश्राम कीजिए, मैं अभी आपके लिए फलाहार लाती हूँ। शबरी मैया, सचमुच बहुत आनंद आया। लगता है मेरी बरसों की भूख की आज तृप्ति हुई। प्रभु, आप कुछ व्याकुल लग रहे हैं। हाँ मैया, मेरी भारिया का किसी ने हरण कर लिया है, मैं उसे ही ढूंढता फिर रहा हूँ। प्रभु, यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर पंबापुर पर्वत है, वहाँ सुग्रीव जी रहते हैं, वो जरूर आपकी सहायता कर सकते हैं। पंपापुर पर्वत पर सुग्रीव जी? लक्ष्मण। हाँ भैया। चलें, अब आज्ञा दो मैया। प्रभु। लक्ष्मण, अब कोई भय नहीं रहा। कौन है आप? पंपापुरी में रहने वाला मैं अभागा सुग्रीव हूँ। मेरे बड़े भाई बाली ने मेरा राजपाट छीनकर राजसिंहासन पर अधिकार जमा लिया। उसी ने मुझे मारने के लिए ये पागल हाथी भेजा था। सुग्रीव, जब तक इस धरती पर एक भाई दूसरे भाई की मौत का कारण बनता रहेगा, तब तक इस धरती पर
स्वर्ग और शांति का सपना कभी सिद्ध नहीं होगा। इस दुखियारे के प्राणों की रक्षा करने वाले आप कौन हैं? मैं राम भक्त हनुमान। सुग्रीव जी, देखा, मुझे मारने के लिए बाली ने पहले हाथी और आप दो धनुषधारी भेज दिए। आगे चलते हैं, शायद आगे ना हो सुग्रीव महाराज। महानुभाव, घोर जंगल किम प्रयोजनम? ब्राह्मण देवता, घनघोर जंगल किम प्रयोजनम? जड़ी बूटी एकत्रित प्रयोजनम, त्वमेव भ्राता किम प्रयोजनम? ब्राह्मण देवता, आप तो प्रकांड विद्वान लगते हैं। मैं राम हूँ और ये मेरे छोटे भ्राता लक्ष्मण। प्रभु, आप ही श्री राम हैं? प्रभु, मैं तो मूर्ख अज्ञानी आपको पहचान नहीं सका प्रभु, लेकिन आप तो सर्व ज्ञाता है। आपने मुझे अपने से इतने समय तक दूर क्यों रखा प्रभु, दूर क्यों रखा? क्षमा करो प्रभु। हनुमान, क्षमा करे। हमें तुम्हारी संस्कृत अच्छी लग रही थी, इसीलिए हम उसका आनंद ले रहे थे। शबरी मैया ने हमें बताया कि वानरराज सुग्रीव यहां रहते हैं। जय श्री राम। प्रभु, मैं उन्हीं का सेवक हूँ, आपको देखकर वो बहुत ही प्रसन्न होंगे। चलिए, मैं आपको उन्हीं के पास ले चलता हूँ। आइए प्रभु। प्रभु राम और महाराज सुग्रीव का मिलन हुआ। महाराज सुग्रीव ने प्रभु राम को कुछ आभूषण दिखाए जिन्हें रावण द्वारा अपहृत करके आकाश मार्ग से ले जाते समय सीता मैया ने फेंक दिया था। श्री राम व्याकुल हो सोचने लगे कि सीता कैसे कैसे कष्टों को झेल रही होगी, लेकिन अपने हृदय की व्यथा कहें तो किसे कहें? प्रभु, सुग्रीव, हम तुम्हारे मित्र हैं, हम वचन देते हैं कि ये मित्रता हम जीवन भर निभाएंगे। बाली तुम्हारा बड़ा भाई है, हमारे विचार में उसे एक बार समझाना ही चाहिए। प्रभु, अहंकार में अंधे बने हुए बाली को समझाने कौन जाएगा? प्रभु, सुग्रीव, तुम हनुमान को अपना दूत बनाकर भेज सकते हो। प्रभु, अहंकारी बाली ने अगर राम भक्त हनुमान का अपमान किया तो? हनुमान का अपमान स्वयं राम का अपमान है। यदि बाली ने ऐसा किया तो क्या होगा? बनवासी राम की सहायता से सुग्रीव मेरा नाश करेगा? हनुमान, सुग्रीव से जाकर कह दे बाली किसी से डरता नहीं, बाली अजर अमर है, बाली की मृत्यु श्री विष्णु के ही हाथों लिखी है। प्रभु, श्री राम विष्णु का अवतार है। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ। आपकी इच्छा, लेकिन अजर अमर बाली ये क्यों भूल रहे हैं? सुग्रीव आपका छोटा भाई है और पंपापुरी के साम्राज्य में उनका भी थोड़ा भाग है। आप उदारता दिखाकर उनको थोड़ा भाग दे दो तो सुग्रीव का दूत बनकर मेरा यहाँ आना सार्थक होगा। आशा है आप मेरा निवेदन स्वीकार करेंगे। चले जा, नहीं आते नहीं तो तेरी चमड़ी निकाल कर रख दूंगा। राजदूत पर प्रहार करना अपराध है। मुझे राजनीति सिखाता है नालायक। तुम्हें इसका भीषण परिणाम भुगतना पड़ेगा बाली। जा, तुझे जीवन दान देता हूँ। अपने राम से जाकर कहना कि बाली से टक्कर न ले, नहीं तो तेरा और तेरे राम का सर्वनाश कर दूंगा। मेरे प्रभु का आदेश है कि मैं किसी पर वार ना करूं, वरना अभी पता चल जाता कि मैं कौन हूं। बाली, अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। प्रभु, बाली तो मूर्ख है, जड़बुद्धि है। दीननाथ, आप तो दया के पात्र हैं, परंतु जिसने हमारे दास का अपमान किया, जिसके हृदय में अहंकार का वास है, ऐसे निशाचर का नाश होना ही चाहिए। रघुवीर आज्ञा दे तो ये दास उसे तीर से बीन डाले। नहीं लक्ष्मण, कपटियों को कपट से मारा जाता है। सुग्रीव, आज्ञा प्रभु। कल प्रातः तुम्हें बाली को युद्ध के लिए ललकारना होगा।
अपने राम से जाकर कहना कि बाली से टक्कर न ले, नहीं तो तेरा और तेरे राम का सर्वनाश कर दूंगा। मेरे प्रभु का आदेश है कि मैं किसी पर वार ना करूं, वरना अभी पता चल जाता कि मैं कौन हूं। बाली, अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। प्रभु, बाली तो मूर्ख है, जड़बुद्धि है। दीनानाथ, आप तो दया के पात्र हैं, परंतु जिसने हमारे दास का अपमान किया, जिसके हृदय में अहंकार का वास है, ऐसे निशाचर का नाश होना ही चाहिए। रघुवीर आज्ञा दे तो ये दास उसे तीर से बीन डाले। नहीं लक्ष्मण, कपटियों को कपट से मारा जाता है। सुग्रीव, आज्ञा प्रभु। कल प्रातः तुम्हें बाली को युद्ध के लिए ललकारना होगा। क्यों कायर भागता है युद्ध मैदान से? प्रभु, सुग्रीव, अब मैं तुम्हें पहचान लूंगा, जाओ युद्ध करो। कायर किसको कहता है? रुक जा, मैं आता हूं। भगवान विष्णु के अवतार हो, लेकिन आपने मुझे छुपकर मारा है, ऐसा क्यों प्रभु? कपटी को कपट से ही मारा जाता है बाली। द्वापर युग में कृष्ण अवतार के समय तुम भी पारथी बनकर मुझे छिपकर ही मारोगे। प्रभु, महाराज सुग्रीव की जय। प्रभु, प्रभु, पापियों का नाश होने के बाद भी आपके मुखाविन पर उदासीन के बादल क्यों छाए हुए? क्योंकि प्रभु राम को अभी एक और महापापी का अंत करना शेष है। कौन है वो पापी? उस महापापी का नाम है लंकापति रावण। रावण? हाँ हनुमान, रावण ने कपट से सीता का हरण किया है। सीता के वियोग में मेरा हृदय कमल जल रहा है। तो फिर मेरे कंधों पर बैठ जाइए प्रभु, ये पवन पुत्र पलक झपकते ही दुष्ट रावण की लंका में आपको ले जाएगा। धीरे ठहरो बजरंग बली, तुम तो वज्रदेहधारी हो, परंतु मैं क्षत्रिय हूं। मैं क्षत्रिय धर्म पालन करते हुए युद्ध भूमि में रावण को पराजित करके ही सीता को मुक्त करूंगा। प्रभु, ये आपका सेवक आपकी क्या सेवा कर सकता है? हनुमान, इस समय तो केवल सीता को ढूंढकर उस तक संदेशा पहुंचाना है। प्रभु, मैं तो उसी समय जाके जानकी का पता लगा लूंगा, लेकिन माताजी मुझे पहचानेंगी कैसे? ये लो मेरी मुद्रिका, तुम रामदूत हो, ये मुद्रिका उसकी साक्षी बनेगी। आशीर्वाद दीजिए प्रभु। समुद्र पार करके इतनी दूर जाना सिर्फ हनुमान जी के ही बस में था।
परंतु बाल्यावस्था में एक ऋषि द्वारा मिले श्राप की वजह से हनुमान जी अपनी शक्ति भूल चुके थे। वानर प्रमुखों के याद कराने पर श्री हनुमान जी उस श्राप से मुक्त हो गए और प्रभु राम की मुद्रिका लेकर पवन वेग से लंका की ओर उड़ चले। मार्ग में सुरसा ने हनुमान जी को रोक दिया। आप कौन है देवी? मैं सुरसा हूँ। मैं हूँ राम भक्त हनुमान। मैं सीता मैया को ढूंढने जा रहा हूँ। कृपा करके मुझे मार्ग दीजिए। तुम्हें मेरे मुख से होकर जाना पड़ेगा। तो आप मेरा भक्षण करेंगी? अच्छा, जय श्री राम। हे सुरसा देवी, मैं आपकी ये इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। सुरसा के कहे अनुसार हनुमान जी को अपनी आकृति छोटी करके सुरसा के मुख से निकलना पड़ा। हनुमान जी की राम भक्ति से सुरसा भाव विभूर हो उठी और उन्होंने श्री हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। सीता, क्या निश्चय किया तूने? हम अब अधिक समय नष्ट करना नहीं चाहते। यदि तूने अपने आप को अपनी इच्छा से हमें समर्पित नहीं किया तो हम जबरदस्ती तुम्हें अपनी पटरानी बनाएंगे। नीच, तेरी पटरानी बनने से पहले मैं मृत्यु का आलिंगन कर लूंगी। लंकापति रावण के होते हुए मृत्यु का आलिंगन? तुष्ट नीच पापी, मेरी तो रोम रोम में राम है। राम राम राम, कहां वो पनवासी राम और कहां हम लंकापति रावण। सीता, अगर 7 दिन के भीतर ही तुमने हमारी पटरानी बनना स्वीकार नहीं किया तो राम की मृत्यु निश्चित है। उसका सर काट कर तुम्हारे सामने डाल दूंगा, समझी? चलो। तेरे स्वामी, कब मुझे इस नराधम से मुक्त करवाओगे? तेरे स्वामी की मिट्टी का यहां माताजी, मैं प्रभु राम का दास हनुमान हूँ, आपको ढूंढने यहाँ आया हूँ। प्रभु राम के दास, ये भी रावण की कोई मायावी चाल है? नहीं नहीं मातेश्वरी, आप मेरे प्रभु राम का ध्यान धर के एक बार उनकी इस मुद्रिका को देखिए। ऐसा कोई पल नहीं है माताजी कि आपका नाम मेरे प्रभु राम के होठों पर न हो। हनुमान जी, आप दूर से आए हैं और आप थक भी गए होंगे। हाँ माताजी, थका भी हूँ और भूख भी बहुत लगी है। अगर आपकी आज्ञा हो तो पेट पूजा भी कर लूं। जय सियाराम। ए वरुण, कहां से आया तू?
अशोक वाटिका तहस नहस का समाचार लंकेश रावण तक पहुंचा। उसने अपने पुत्र इंद्रजीत को श्री हनुमान का मुकाबला करने के लिए कहा। इंद्रजीत द्वारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते देख ब्रह्मा जी के सम्मान में श्री हनुमान जी ने समर्पण कर दिया। हनुमान जी को बंदी बनाकर रावण के दरबार में चल पड़ा। जय श्री राम। राम का दूत इस वक्त लंकेश्वर का बंदी बना हुआ खड़ा। कहां लंकेश्वर रावण की शक्ति और कहां वो भिखारी राम और उसका ये सेवक बंदर। आश्चर्य, अशोक वाटिका शोक वाटिका में बदल गई और अभिमानी रावण ने प्रभु राम की शक्ति को पहचाना तक नहीं। रावण को शक्ति पहचानने की चुनौती देता है मूर्ख। अरे मूर्ख तो लंकेश्वर रावण है जिसने सीता माता का हरण किया। चुप होता है कि नहीं, वरना अभी हम लोग पहुंचा दूंगा तुझे। मैं यहाँ चुप रहने को नहीं आया हूँ, मैं तो चेतावनी देने को आया हूँ कि सीता मैया को मुक्त कर दो वरना। चेतावनी रावण को? शायद तो मेरी शक्ति से परिचित नहीं। शक्ति तो तुम्हारे किसी में भी नहीं है कि जो मुझे बांध कर यहाँ ला सके। मैं राम का दूत हनुमान। राम का दूत हनुमान? भाई क्या मुझे आपको ये बताना पड़ेगा कि राजदूत पे हाथ उठाना ये राजनीति नहीं है? हाथ उठाना राजनीति नहीं है तो फिर क्या राजनीति है? राजदूत को राजसभा में सम्मान पूर्वक आसन देना यही राजनीति है। आसन? और इस बंदर को जिसके मन में अहंकार का वास हो वो मुझे क्या आसन देगा? मैं राम भक्त हनुमान हूं, अपना आसन स्वयं बना लूंगा। जय श्री राम। भैया रावण, राम भक्त भुवेशन अपने अहंकारी भाई को समझा दे कि संसार के अंदर अग्नि से पवित्र चीज कोई नहीं है। रावण, अग्नि पाप का नाश करती है और पुण्य को कंचन की तरह चमकाती है। लगा दो मेरी पूछ में आग। आग लगा दो। जय श्री राम। जाओ शीघ्र करो। Thank you.
पूजा दहन के पश्चात गर्मी से व्याकुल होकर श्री हनुमान जी के शरीर से पसीना निकल पड़ा, जिसकी कुछ बूंदें अकस्मात मकरी ने भी ग्रहण कर ली। मेरी आवाज सुनकर बजरंगबली तुम यहां, मुझे मुक्ति दिलाओ, मुझे इस बंधन से छुड़ाओ। शनि देवता, हनुमान तो प्रभु राम के सेवक है, पर आपको इस कठोर बंधन में बांधने वाला है कौन? बजरंगबली, मुझे एक कोई नहीं, नवग्रह को चकर कर लंकापति रावण ने कारागार में डाल दिए। बजरंगबली, मुझे एक बार मुक्ति दिला दो। नहीं 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 शनि देवता, आपके लिए तो यह स्थान ठीक है। अगर आपको मुक्त कराया गया तो आपकी शनि की दृष्टि जहां पड़ेगी वहां सर्वनाश हो जाएगा। नहीं नहीं बजरंगबली, ऐसा नहीं होगा। आप मुझे यहां से मुक्ति दिलाओगे तो आपका नाम लेने वालों से मैं 7.5 कोस दूर रहूंगा। मैं आपको वचन देता हूं कि उनके सर पे कभी भी 7.5 ही सवार नहीं होगी। अगर ये वचन ना निभाया तो रावण ने तो आपको यहां बांधा है, पर मैं आपको जन जन्मांतर के वचन के बंधन में बांध रहा हूं, और ये वचन आप निभाएंगे? अवश्य निभाएंगे। माता जी, रावण को मैंने बता दिया है कि राम जी क्या है, अब वो शीघ्र ही आपकी मुक्ति के लिए यहां आएंगे। कहिए क्या आ गया है? हनुमान जी, मेरे प्रभु से कहना कि मेरा रोम रोम उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम। मिली जानकी? प्रभु, रावण ने माता जानकी को लंका की अशोक वाटिका में बंद कर रखा है। कैसी है जानकी? जगत के नाथ प्रभु राम, जानकी माता आपका स्मरण करती रहती हैं, उनके मुख पर एक ही नाम है, राम राम। जानकी, सुग्रीव की सारी वानर सेना आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रही है। प्रभु प्रभु, तो फिर लंका पहुंचने की तैयारी की जाए। परंतु इतनी विशाल सेना के साथ सागर कैसे पार होगा? प्रभु, इसका उपाय है। मैं अभी आया प्रभु। हे सागर देवता, मैं प्रभु राम का दास आपको प्रणाम करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि हमें लंका की ओर प्रस्थान करने का मार्ग दें। सीता माता को लंका में रावण के अत्याचारों से मुक्त कराना है। यह कार्य आपकी कृपा दृष्टि के बिना पूर्ण नहीं हो सकता, अतः आप हमें लंका पहुंचने का मार्ग दें। अगर आपने इस दास की प्रार्थना स्वीकार नहीं की तो मैं राम भक्त हनुमान यहीं पर प्राण त्याग दूंगा, यहीं पर प्राण त्याग दूंगा। श्री हनुमान जी ने सागर देवता की आराधना की, मगर उनका सारा प्रयत्न निष्फल गया। श्री राम को क्रोध आ गया और उन्होंने संपूर्ण सागर को सुखाकर मार्ग बनाने हेतु तरकश से तीर निकालकर धनुष पर चढ़ा लिया। उनके क्रोध की ज्वाला से जल उठे और अंततः सागर देवता को प्रकट होना ही पड़ा। मर्यादा पुरुषोत्तम, प्रभु राम की जय हो। अपने क्रोध को शांत कीजिए प्रभु। अपने दास को आज्ञा दीजिए प्रभु। हे सागर देवता, हमें लंका पहुंचना है, परंतु इतना विशाल सागर
कैसे पार हो? आप ही हमें कोई मार्ग सुझाइए। हे रघुनाथ, मैं अपनी मर्यादा नहीं छोड़ सकता, परंतु आपको एक उपाय बता सकता हूँ जिससे आप सारी वानर सेना के साथ लंका पहुँच सकते हैं। सुग्रीव की सेना में नल और नील नाम के दो वानर हैं, जिनके हाथ का फेंका हुआ पत्थर पानी पर तैरता रहता है, जिससे आप सेतु बांधकर लंका पहुंच जाएंगे और मुझे अपनी मर्यादा भी नहीं छोड़नी पड़ेगी। जो आज्ञा। सेतु बंधन से पहले सागर तट पर हमें भगवान शंकर की पूजा करनी होगी। जैसी आपकी इच्छा। चलो लक्ष्मण। आज दशरथ पुत्र राम को सागर तट पर शंकर जी की पूजा के लिए एक ब्राह्मण की आवश्यकता है। मुझे अपने ब्राह्मण धर्म का पालन करना ही चाहिए। मैं अवश्य जाऊंगा। प्रणाम ब्राह्मण देवता। प्रणाम। हमें आपकी ही प्रतीक्षा थी। राम लक्ष्मण विराजी। देवाधिदेव महादेव का ध्यान धरिए। ओम मृत्युंजय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय सर्वा महादेवाय ते नमः। ओम नमः शिवाय। ब्राह्मण की दक्षिणा। दक्षिणा देने के लिए वनवासी राम के पास इस समय कुछ भी नहीं है विप्र देवता। दक्षिणा के रूप में मैं आपसे सोना चांदी या स्वर्ण मुद्राएं नहीं मांगता। आपके जीवन के सत्कर्म का पुण्य इस ब्राह्मण की झोली में डाल दीजिए रघुपति राम। उसके बाद बिना कष्ट लंका में प्रवेश कीजिए। मैं सूर्य और चंद्रमा को साक्षी मानकर अपने जीवन के सभी सत्कर्म आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। धन्यवाद अयोध्यापति राम। लंका की ओर आने का तात्पर्य? सीता का हरण करने वाले महापापी रावण का नाश। तथास्तु। परंतु लंकापति रावण, मेरी विजय सिद्धि के लिए शंकर भगवान का पूजन कराने आप स्वयं उपस्थित हुए, ऐसा क्यों? मैंने यहाँ ब्राह्मण धर्म का पालन किया है और युद्ध के मैदान में क्षत्रिय धर्म का पालन करूंगा, ये याद रखना। पत्थर तैर तो गए पर ये जुड़ेंगे कैसे? जय श्री राम।
स्वामी। मेघनाथ, वनवासी राम कुछ बांदरों की सेना लेकर लंका में प्रवेश करने की तैयारी कर रहा है। गीदड़ की जब मृत्यु आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। भैया रावण, राम के स्वरूप में भगवान विष्णु ने अवतार लिया है, उन्हें ललकारना तुम्हारी भयंकर भूल होगी। भैया, हमारे शत्रु का गुणगान करने वाले विभीषण, अब तेरा लंका में कोई स्थान नहीं, चला जाए यहाँ से कायर। स्वामी, पराई स्त्री को बंदिनी बनाकर आप मेरी माँ का सुंदर मिटाने की तैयारी क्यों कर रहे हो? किस लिए सोने की लंका मिटाना चाहते हो नाथ, किस लिए? मंदोदरी, रण क्षेत्र में जाने वाले पति और पुत्र के मंगल के लिए उनकी आरती उतारी जाती है, उन्हें आशीर्वाद दिया जाता है, आंखों में आंसू भरकर उनका अपशगुन नहीं किया जाता। राम को लंका में आने के लिए मैंने ही निमंत्रण दिया था। घनघोर युद्ध हुआ मगर रावण की सेना को पराजय का मुख देखना पड़ा। निराश होकर रावण ने अपनी सहायता के लिए पाताल लोक से अपने भाई अहि रावण को बुलाया। अहि रावण, प्रकट हो। लंकापति रावण पर ऐसा कौन सा संकट आन पड़ा है कि पाताल लोक से अपने भाई अहि रावण को बुलाना पड़ा? मैं अपने शत्रु वनवासी राम और उसके भाई लक्ष्मण को यम लोक पहुंचाना चाहता हूं, और ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। कहां है वो शत्रु? मैं अभी उनका काम तमाम कर देता हूं। परंतु इन वनवासियों का एक सेवक बहुत ही चालाक है। मैं गुड़ विद्याओं का महाविद्वान राम लक्ष्मण के सेवक की सारी चलाकी को अपनी माया की चक्की में पीसकर चटनी बना दूंगा। रावण को अहि रावण से यही आशा थी। वो चालाक सेवक एक बंदर है जिसका नाम हनुमान है। वो इस वक्त युद्ध के मैदान में अपनी पूंछ का परकोटा बनाकर राम और लक्ष्मण को उसमें छिपा कर बैठा हुआ है। वहीं से तुम्हें राम और लक्ष्मण को पाताल लोक ले जाकर समाप्त करना होगा। ठीक है, बड़े भाई की आज्ञा का पालन अवश्य होगा। हनुमान, हनुमान जी, रावण ने अपने अंतिम अस्त्र के रूप में पाताल नरेश अहि रावण को बुलाया है। पाताल नरेश? अब आपको बहुत सावधानी पूर्वक यहाँ पहरा देना पड़ेगा हनुमान जी। हनुमान के होते हुए एक पंछी भी परकोटे में पंख नहीं मार सकता। हनुमान जी, अहि रावण लंपट है, मायावी है, वो किसी का भी रूप ले सकता है। सावधान रहना, मैं अभी आया। विभीषण जी, आप अभी भी गए थे और तुरंत ही लौट आए। हनुमान जी, मैं ये पूछना भूल गया था, इसलिए लौट आया। क्या पूछना था? वही कि मेरे प्रभु आज क्या खाएंगे। ओ, जाइए पूछ लीजिए। जी, कहीं ऐसा ना हो हनुमान कि अहि रावण खुद विभीषण का वेश बदल के तुम्हें धोखा देके परपोटा के अंदर प्रवेश कर ले। धोखा? और हनुमान के साथ? ये कभी नहीं हो सकता। एक बार पाताल नरेश को मेरे सामने तो आ जाने दो, मैं उसको पाताल में ही पहुंचा दूंगा। लक्ष्मण पाताल। हनुमान जी, जाग रहे हैं या खड़े खड़े सो रहे हो? मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था।
अहि रावण, मुझे मालूम था तुम विभीषण का भेष बदलकर अवश्य आओगे। अब मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं, आज मैं तुझे छठी का दूध याद दिला दूंगा। हनुमान जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे राम भक्त विभीषण को आपने नहीं पहचाना? राम भक्त विभीषण तो तुम ही लगते हो, तो फिर वो कौन था? अवश्य कुछ गड़बड़ घोटाला है, आओ जाके देखे। हाँ चलो। यहां तो कोई नहीं है। हनुमान जी, अहिरावण राम और लक्ष्मण दोनों को पाताल नगरी ले गया होगा। हाँ विभीषण जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं पाताल नगरी जाकर उनकी खोज करूंगा। जय श्री राम। भीतर जाने की आज्ञा नहीं है, हमें रोकने वाला तू कौन होता है? मकर ध्वज, पाताल के महाराजा ही रावण का द्वारपाल, समझे? द्वार से हट जा, मुझे ही रावण से मिलना है। सावधान, मेरी आज्ञा के बिना पातालपुर में प्रवेश किया तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। देखता हूँ किस माँ का दूध पिया है। माँ के दूध को ललकारता है नीच। मेरा बेटा मकरध्वज स्वामी, ये सब क्या है? नहीं नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। एक बाल ब्रह्मचारी को किसी माया जाल में फंसाने का प्रयत्न मत करो देवी। माया जाल में फंसाने का प्रयत्न नहीं है स्वामी, ये सच्चाई है। माँ की ममता झूठ नहीं बोला करती। लंका दहन के पश्चात आप अपनी पूंछ की आग बुझाने के लिए सागर की ओर उड़ रहे थे, उस समय आपके पसीने की बूंदों का प्रसाद मुझे मिला था। मकरध्वज उसी प्रसाद का प्रताप है स्वामी। मकरध्वज, हनुमान पातालपुरी में प्रभु राम की खोज में आया है। माया अहिरावण के माया जाल से प्रभु राम को बचाना आसान नहीं है। आरती के नृत्य पूरा होते अहिरावण देवी चंडी के चरण में राम और लक्ष्मण की बलि चढ़ा देगा। बलि? मेरे राम प्रभु की बलि? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता, ये संभव है। अहिरावण असंभव को संभव बनाना जानता है। राम लक्ष्मण के बचने का अब कोई उपाय नहीं है। रोम रोम में रमने वाले मेरे राम अपने आप ही कोई उपाय बताएंगे। मैं देवी की पूजा के लिए फूल लेकर आती हूँ। उपाय मिल गया, मैं फूलों की टोकरी में बैठकर वहां चंडी माँ के मंदिर में पहुंचूंगा। माँ, तुझे बलि चाहिए ना? मिलेगी, अवश्य मिलेगी। पहले मेरे राम लक्ष्मण की सिद्धि करा दे माँ, बाद में तुझे अवश्य बलि मिलेगी माँ, अवश्य मिलेगी माँ, अवश्य मिलेगी।
प्रणाम मां। जय चंडिके। राम लक्ष्मण, तुम्हारे जीवन की अंतिम घड़ी आ चुकी है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। बलि का मुहूर्त हो चुका है, चंडी देवी के सामने अपना शीश झुकाओ। पाताल नरेश की आज्ञा का पालन हो, शीश झुकाओ। रावण, हम सूर्यवंशी, हम शीश उठाना जानते हैं, झुकाना नहीं। आज तक हमने अपना शीश किसी के आगे नहीं झुकाया, परंतु आज झुकाना ही होगा। हम तैयार हैं हीरावण, परंतु 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 क्या? शीश कहां और किस प्रकार झुकाना है तुम्हें हमें समझाना होगा। क्या भक्त अहिरावण, तुझे शीश झुकाकर इनकी अंतिम इच्छा पूरी करनी ही होगी। परंतु चली देवी, आज आपका स्वर बदला हुआ क्यों लगता है? तेरी मूर्खता के कारण। बलि का मुहूर्त टल रहा है, हमारे आदेश का पालन कर। जैसी मां की आज्ञा। सेना युद्ध के लिए तैयार है। शाबाश मेघनाथ। राम को अगर रावण की शक्ति का पता होता तो वो लंका में प्रवेश करने की हिम्मत ही नहीं करता। महाबली कुंभकर्ण को जगाओ और हमारी सेना को तैयार करो। इस दूसरे चरण में कुंभकर्ण भी वीर गति को प्राप्त हुए। वानर सेना की यह खुशी ज्यादा देर न टिक सकी। मेघनाथ द्वारा छोड़े ब्रह्मास्त्र ने लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया। लक्ष्मण जी के प्राणों की चिंता न करें, लंका से वेदराज सुषेण आ गए हैं। प्रभु, लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा करने की शक्ति मेरी औषधि में नहीं है, लक्ष्मण जी को बचाना कठिन है। वेदराज जी, दुनिया के किसी भी कोने में लक्ष्मण जी को बचाने की औषधि मिलेगी? मिल तो सकती है, लेकिन वो स्थान बहुत दूर है। कहाँ है वो स्थान? लक्ष्मण जी के प्राणों को बचाने वाली वो औषधि संजीवनी बूटी विंध्याचल पर्वत पर है, जो यहाँ से हजारों योजना दूर। लक्ष्मण, सूर्योदय तक अगर उसे ना दी गई तो लक्ष्मण जी की मृत्यु हो जाएगी। नहीं वैद्यराज, यदि लक्ष्मण को कुछ हो गया तो मैं माता सुमित्रा को कौन सा मुंह दिखाऊंगा? उर्मिला का सिंदूर रहित मुखारबिंद उसकी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। यह धारण कीजिए प्रभु, आपके चरणों कृपा से आपका हनुमान पवन वेग से जाके सूर्योदय से पहले संजीवनी बूटी लाकर आपके चरणों में रख देगा। लेकिन वैद्यराज जी, मैं उसे पहचानूंगा कैसे? वो हीरे की तरह चमकती होगी, बस उसे ले आना। जय श्री राम। काल निधि हाजिर हो। जय हो, जय हो, लंकापति रावण की जय हो।
काल निधि, तुम अपनी माया शक्ति से हनुमान को रोको। वो विंध्याचल पर्वत पहुंच गया तो लक्ष्मण के प्राण बच जाएंगे। और नहीं नहीं, मैं उसे विंध्याचल नहीं पहुंचने दूंगा। जाओ, शीघ्र जाओ। महात्मा जी, दूर हट वानर, तू अपने स्पर्श से मेरे और मेरे तपस्या को अपवित्र करना चाहता है। मुझे रोकने का कारण? कारण? त्रिकाल ज्ञानी से कारण पूछता है? हम जानते हैं लंका में लक्ष्मण मूर्छित पड़ा है और तू उसके लिए संजीवनी बूटी लेने आया है। आशीर्वाद दीजिए कि सूर्य उदय होने से पहले मैं संजीवनी बूटी ला सकूं। हमारा आशीर्वाद प्राप्त किए बिना तू संजीवनी बूटी कभी नहीं ला सकेगा। उसके लिए मुझे क्या करना होगा महाराज? यहाँ से 100 कदम दूर एक सरोवर है, उसमें स्नान करने के बाद ही मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकेगा। जय श्री राम। श्री राम, सुग्रीव और पूरी वानर सेना लक्ष्मण के लिए चिंतित थी और हनुमान जी संजीवनी समेत पूरे पहाड़ को लिए उसी तरफ चले आ रहे थे। वैद्यराज जी, मैं पूरा पहाड़ लेकर आया हूं। चलिए और ढूंढ लीजिए अपनी संजीवनी बूटी। चलिए।
तेरे सामने आ रहा है। युद्ध के तीसरे चरण में अंततः इंद्रजीत भी लक्ष्मण के हाथों वीरगति को प्राप्त हुए। अब नहीं सजाता स्वामी, मन कर रही है युद्ध। मेरा दीवर महाबेवली कुंभकर्ण मारा गया, एक एक करके मेरे सारे बच्चे मर गए और मैं अब आपको। मंदोदरी, बकवास बंद करो। रण क्षेत्र में हार या जीत तो निश्चित है, युद्ध भूमि में बढ़ाया हुआ कदम रावण पीछे नहीं हटाएगा। कल हम विजय का डंका बजाते हुए हमारे महल में वापस आएंगे, समझी? स्वामी अभी भी मेरी बात मान लीजिए, सीता जी को राम के पास वापस पहुंचा दीजिए, वरना वरना ये सोने की लंका मिट्टी में मिल जाएगी। ये असंभव है, मेरे कार्य में बाधा मत डालो। हटो यहां से। रावण अजर अमर है, उसकी नाभि में अमृत कुंड भरा हुआ है। पहले आप उसकी नाभि में तीर मारकर अमृत कुंड को सुखा दीजिए, तभी वो मर सकता है, वरना वो नहीं मरेगा प्रभु। धन्यवाद विभीषण, ये मैं जानता हूं, परंतु आज तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम मेरे परम भक्त हो। अब है रहो। हाथों दुष्ट रावण की भी मुक्ति हो गई। सीता मैया की अग्नि परीक्षा लेकर श्री राम जी सीता मैया लक्ष्मण हनुमान और प्रमुख वानर मुखियों के साथ अयोध्या लौट आए। अयोध्या नगरी विजय के हर्षोल्लास से गूंज उठी। अयोध्यापति राजा रामचंद्र जी की जय। अयोध्यापति राजा रामचंद्र की जय। अयोध्यापति राजा रामचंद्र की जय। राम जी सिंघा
आसन पर बैठे ओ सब मिलके खेलो रास, हे रास खेलो हो रास खेलो हो रास खेलो रघुपति राम तारे, हे रास खेलो रघुपति राम तारे, हो बड़ा गौरव है उनके नाम तारे हो रास, हे रास खेलो रघुपति राम तारे, हे रास खेलो रघुपति राम तारे। ओ जिसने तड़का सुबाहु को मारा रे, ओ जिसने तड़का सुबाहु को मारा रे, ओ जोगी मुनियों का भी घन निवारा रे, ओ जोगी मुनियों का भी घन निवारा रे, शिव धनुष तोड़ा सीता से नाता जोड़ा, शिव धनुष तोड़ा जय जय कर उनके नाम तारे हो रास, हे रास खेलो रघुपति राम तारे, हे रास खेलो रघुपति राम तारे। हनुमान जी, ये आप क्या कर रहे हैं? भगवान से मिले हुए उपहार नौलखी मोतियों के हार को आप क्यों तोड़ रहे हैं? नहीं माता जी, ये आपकी भूल है। मैं नौलखा हार को नहीं तोड़ रहा, मैं तो मेरे प्रभु राम को ढूंढ रहा हूं, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। जिस वस्तु में मेरे राम नहीं, उस वस्तु की मेरे मन कोई कीमत नहीं।
इसका मतलब तो यह हुआ महाबली कि आपके रोम रोम में प्रभु श्री राम विराजते हैं। बात तो कुछ ऐसी ही है। इसका क्या प्रमाण है महाबली? प्रमाण? यदि हनुमान के सच्चे हृदय से अपने राम की सेवा की है, सच्चे हृदय से अपने राम की भक्ति की है, सच्चे हृदय से अपने राम जी की पूजा की है, तो मेरे राम मेरे हृदय में ही होंगे। जय श्री राम। भक्त हनुमान, तुम्हारी भक्ति अपरंपार। जय श्री राम, जय श्री राम। सीता मैया माता जी, एक बात पूछूं आपसे? पूछिए हनुमान जी। माता जी, आप रोज सोलह श्रृंगार करती हैं, पर ये मांग में क्या लगाती हैं? सिंदूर। सिंदूर? वो भला क्यों? हनुमान जी, आप बड़े भोले हैं, इतना भी नहीं जानते कि मांग में सिंदूर औरत का सबसे बड़ा श्रृंगार है। इसके लगाने से मेरे स्वामी की आयु बढ़ती है। माता जी, सच? इसके लगाने से मेरे प्रभु की आयु बढ़ती है? हाँ, मेरे प्रभु की आयु बढ़ती है, मेरे प्रभु की आयु बढ़ती है, मेरे प्रभु की आयु बढ़ती है। प्रभु, प्रभु, आप और आपके सभी दरबारी आपके सेवक हनुमान को देखकर क्यों हंस रहे हैं? अरे हनुमान जी, आपके शरीर को देखकर ही तो हंस रहे हैं। ये आपने शरीर पर क्या लगाया है? सिंदूर माता सीता ने बताया था कि सिंदूर प्रभु राम के अमृतत्व की निशानी है, इसलिए अयोध्या के बाजार का सारा सिंदूर खरीद कर तेल में मिलाकर सारे शरीर को लगा दिया, क्योंकि तेल शनि देव की काल रक्षा का कवच है। हनुमान, तुम्हारे जैसा मेरा परम भक्त इस ब्रह्मांड में और कोई नहीं। जब सीता माता के सौभाग्य सिंदूर की रेखा मेरे प्रभु के जीवन को अमर बना सकती है, हनुमान तो आपके चरणों का सेवक है, उसके तो रोम रोम में राम बसे हुए हैं। मेरी प्रभु भक्ति से मेरे राम अमर हो जाएंगे। हनुमान, तुम महान हो, जब तक ये संसार रहेगा तुम्हारी पूजा होती रहेगी, तुम्हारे ऊपर सदैव सिंदूर और तेल चढ़ाया जाएगा।
आओ सारा बीते जीवन सारा जैसे फूलों में रंग। आधी रात को आने का ये तेरा समय है छिनाल? मेरी भैया की तबीयत खराब थी इसीलिए मैं उनके घर चली गई थी। अच्छा, और आने में मुझे बड़ी देर हो गई। भाई के घर गई थी या अपने यार के घर? कुल कलक्षणी, मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रखूंगा। भगवान राम सीता की अयोध्या में तुमने मुझ पर शंका की और तुम्हें शर्म नहीं आई मुझ पर शंका करते हुए? जीप चला रही है नालायक छिनार। आई बड़ी सीता माता की दुहाई देने, जो ना जाने कितने ही दिन रावण की लंका में रही, फिर भी राम जी ने उसे स्वीकार किया, पर मैं तेरे को स्वीकार नहीं करूंगा। स्वामी मेरी बात तो सुनो। उल्टा, मैं तेरी कोई बात सुनना नहीं चाहता। चल बाहर निकल। आपके हाथ जोड़ती हूँ। बाहर निकल। मुझे मत। छिनाल, मैंने तेरा क्या किया छिनाल? स्वामी दरवाजा खोलिए, स्वामी दरवाजा खोल का दरवाजा। आधी रात को मैं कहाँ जाऊँ? अपने यार के पास जा। दुहाई है राजा रामचंद्र जी, दुहाई है। राजा रामचंद्र जी की जय हो। मेरे साथ अन्याय हुआ है, आप मेरे साथ न्याय करिए प्रभु। रात को भाई के घर से देर से लौटने पर मेरे पति ने मुझे मारा, मुझे पीटा और मेरा त्याग कर दिया प्रभु, मेरा त्याग कर दिया। इतनी सी भूल के लिए इतना बड़ा न्याय? तुम्हारा त्याग, तुम्हारे साथ न्याय होगा। पहरी जी महाराज, इसके पति धोबी को दरबार में प्रस्तुत करो। जो आज्ञा। अरे छोड़ो, अरे कहाँ ले जा रहे हो? है भाई, राजा रामचंद्र जी की जय हो, राजा रामचंद्र जी की जय हो, जय हो। सच सच बताओ, तुमने अपनी पत्नी को घर से क्यों निकाला? उसका परित्याग क्यों किया? मैं, मेरी जीभ लड़खड़ा रही है, कहीं महाराज रामचंद्र जी मुझे मृत्यु दंड ना दे। हम तुम्हें अभय वचन देते हैं, तुम्हारे साथ पूरा न्याय किया जाएगा। महाराज छोटा मुंह बड़ी बात कैसे कर सकता हूँ? रात भर घर से बाहर रहकर सुबह आई हुई पत्नी को कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? आपने जानकी को रावण के यहाँ रहने पर भी स्वीकार किया, लेकिन इस उल्टा को मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? अपराध मैं नहीं कर सकता। सीता माता को वन में मैं नहीं छोड़ सकता। यह काम आप किसी और को सौंप दीजिए। लक्ष्मण, हृदय को वज्र बनाकर कल सूर्योदय होते ही तुम्हें सीता को वन में छोड़ना ही होगा, यह हमारा आदेश है। भैया, आपके आदेश का पालन करने के लिए लक्ष्मण अपने प्राण तक की बलि दे सकता है, परंतु मातेश्वरी सीता के त्याग के आदेश का पालन स्वीकार नहीं कर सकता। भावना से कर्तव्य महान होता है लक्ष्मण। अयोध्या की प्रजा का निर्णय स्वीकार करना हमारा कर्तव्य है। नहीं भैया, आपके लक्ष्मण से सीता माता के त्याग का भयंकर अपराध कभी नहीं हो सकता। लक्ष्मण, राम की आज्ञा मानो ना मानो, परंतु राजा राम के आदेश का पालन तुम्हें करना ही होगा। प्रभु, विलंब न करो लक्ष्मण, कहीं कर्तव्य के पथ पर हमारे पांव डगमगा न जाएं। क्या क्या सिरोधारी? लक्ष्मण जी, आज आप सुबह सुबह कहां जा रहे हैं? प्रभु राम का रथ तैयार करने
प्रभु राम का रथ तैयार करने? प्रभु कहीं बाहर जा रहे हैं और मुझे साथ लिए बिना? लक्ष्मण जी, आप तो शेषावतार हैं और आपकी आंखों में आंसुओं की झड़ी, इतने दुख की बात क्या है? बताऊं तो कैसे बताऊं? मेरे होठों पर राम की आज्ञा का ताला लगा हुआ है। बात साधारण नहीं, वज्रपात है। वज्रपात? भीषण से भीषण वज्रपात सहन करने की शक्ति हनुमान में है। सुनेंगे तो आपको विश्वास नहीं आएगा। हनुमान जी, रघुवंशी राजा राम ने माता जानकी का त्याग किया है। नहीं नहीं, सुमेरु पर्वत अपने आसन से डिग सकते हैं, सूर्य पश्चिम में उदय हो सकते हैं, किंतु मेरे राम जी सीता मैया का त्याग कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। लक्ष्मण जी बताइए, बताइए त्याग का कारण क्या है? कारण? कारण तो अयोध्यापति राजा राम ही जाने। प्रभु, प्रभु एक बार कह दो कि लक्ष्मण जी ने जो कहा है वो सब कुछ झूठ है। हनुमान, सत्य सदैव स्वर्ण के समान होता है। तो क्या ये सच है कि प्रभु राम ने माता सीता का त्याग किया? तुम्हारे राम ने सीता का नहीं, अयोध्यापति राजा राम ने महारानी सीता का त्याग किया है हनुमान। लेकिन क्यों, ऐसा कौन सा अपराध हो गया है माता सीता से? कई बार विधि का विधान ऐसा हो जाता है, एक निरपराध को भी दंड भुगतना पड़ता है। प्रभु आप तो विधि के विधान को पलट सकते हैं। आज तक हनुमान ने आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज आज मैं आपसे विधि के विधान को पलटने की भिक्षा मांगता हूं। प्रभु पवन पुत्र, तुम्हारे प्रभु राम विधि के विधान को बदल सकते हैं, परंतु मनुष्य के चरित्र की मर्यादा को निभाने वाले अयोध्यापति राजा राम महारानी जानकी के परित्याग के आदेश को नहीं बदल सकते। इतना तो बता दो प्रभु कि सीता माता के त्याग का कारण क्या है? कारण? अयोध्या के धोबी का आरोप महारानी सीता सती नहीं है। राजा राम रावण के घर में रही हुई सीता को पटरानी बना सकता है, परंतु मैं नहीं। अरे धोबी, तुझे तो हनुमान जी बड़े गुस्से में ढूंढ रहे हैं। अरे हनुमान जी मुझे गुस्से में, भागो रे भागो। अरे हनुमान जी गुस्से में हड्डियां तोड़ देंगे, ऊपर वाले बचा लेना। कहां है वो दुष्ट धोबी? कहाँ भागते हैं? अरे हनुमान जी, पहले ये तो बताइए दुष्ट कि मेरा दोष क्या है? तुम ही हो वो दुष्ट राधम जिसने सीता मैया पर लांछन लगाया। हनुमान जी मुझे माफ कर दीजिए, आप ठहरे बाल ब्रह्मचारी, आपको क्या पता कि स्त्रिया चरित्र क्या है? पहले विवाह करो, उसके बाद पता चलेगा। सूर्य देवाय नमः, सूर्य देवाय नमः, सूर्य देवाय नमः, सूर्य देवाय नमः। लक्ष्मण, तुम सवेरे सवेरे क्या बात है? मातेश्वरी, राजा राम ने रुक क्यों गए? बोलो लक्ष्मण, रुक क्यों गए? तुम चुप क्यों हो? कहो लक्ष्मण, आर्यपुत्र का क्या आदेश है? मातेश्वरी, राजा राम की आज्ञा है
कि महारानी सीता को अयोध्या से वन विहार के लिए ले जाया जाए। इतनी सी बात के लिए इतनी चिंता? मातेश्वरी, वन विहार के आदेश पालन में संकोच कैसा? प्रभु की आज्ञा शिरोधारी, चलिए। बदलाओ मेरे रूठे राम को मनाओ, मेरे रूठे राम को मनाओ, अरे रे कोई विधि का लेख बदलाओ, अरे रे कोई विधि का लेख बदलाओ। कोई बुझाओ मन की ज्वाला को कोई बुझाओ, अरे रे कोई विधि का लेख बदलाओ, अरे रे कोई विधि का लेख बदलाओ। लेख
बदलाओ, अरे रे कोई विधि काल एक बदलाओ। जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम। लक्ष्मण, इस घनघोर वन में यहाँ कहाँ ले आए मुझे? क्या इसी वन विहार के लिए प्रभु राम ने मुझे तुम्हारे साथ भेजा है? नहीं मातेश्वरी। तो फिर यह लाने का कारण? कारण बताने से पहले लक्ष्मण के प्राण निकल जाते तो अच्छा था। ऐसा क्या कारण है जिसके लिए तुम इतने दुखी हो रहे हो? मातेश्वरी, प्रभु राम ने तन नारी सती सीता का त्याग किया है। प्रभु राम द्वारा सीता का त्याग, धर्मपत्नी सीता का त्याग, अग्नि परीक्षा में तपी हुई जानकी का त्याग, लेकिन क्यों लक्ष्मण? अभागिनी सीता से ऐसा क्या अपराध हो गया है? क्या यही दिन दिखाने के लिए प्रभु राम मुझे अयोध्या लेकर आए थे? प्रभु राम ने नहीं, अयोध्यापति राजा रामचंद्र ने सीता का त्याग किया है। लक्ष्मण, प्रभु राम निर्दोष है, ये मैं जानती हूँ। वे मुझे आदेश दे सकते थे, मुझे मेरे अपराध का दंड दे सकते थे, पर तुम्हारे साथ? हाँ मातेश्वरी, हृदय में अपार व्यथा भरकर प्रभु राम ने मुझे आदेश दिया। लक्ष्मण, प्रभु राम की आज्ञा का पालन तुम कर चुके हो, अब सीता के निवेदन को स्वीकार करो। आज्ञा मातेश्वरी। अपने कर्तव्य को पूरा करो लक्ष्मण, और अयोध्या लौट जाओ। नहीं मातेश्वरी, नहीं मातेश्वरी, अब इन चरणों को छोड़कर लक्ष्मण कहीं नहीं जा सकता, कहीं नहीं जा सकता। नहीं लक्ष्मण, नहीं, तुम्हें वापस जाना ही होगा। नहीं, सीता को अपने भाग्य के सहारे छोड़ दो। जाओ लक्ष्मण, तुम्हें प्रभु राम की स्वागत है, जाओ। मातेश्वरी, अपमान भरा जीवन जीने से क्या लाभ? मैं इसी समय गंगा मैया की गोद में समा कर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देती हूँ। नहीं, ये मैं नहीं कर सकती। सूर्यवंश का अंश मेरी कोख में पल रहा है, मैं उसे कैसे मार सकती हूँ? नहीं, आत्महत्या करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। पुत्री, तू कौन है बेटी? एक अभागनारी, जनकपुर के राजा जनक की पुत्री जानकी, मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम की धर्म पत्नी सीता। सीता? मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पत्नी? बेटी सीता, तुम इस घनघोर जंगल में, परंतु तुम्हारा आत्महत्या करने का कारण? पति परमेश्वर राम द्वारा धर्म पत्नी सीता का त्याग। ये मैं क्या सुन रहा हूँ, रामचंद्र जी द्वारा सीता का त्याग? हाँ मुनिराज, मेरा प्राथिनी सीता का त्याग। बेटा, उन्हीं को कौन टाल सकता है? विधि का विधान अटल है। और बेटा सीते, अगर तू यहां नहीं आती तो वाल्मीकि की रामायण अधूरी रह जाती। चल बेटा, चल आश्रम चल। आओ बेटा आओ।
संभाल ला बेटा, आओ। वो देखो बेटा, वो कुटिया, उसमें रहकर तुम्हें रघुवंश के अंश की रक्षा करनी है। जो आज्ञा मुनिराज। आओ। ये देखो बेटा, ये तुलसी का पौधा, तुम्हें दिन प्रतिदिन इसका सिंचन करना है, और जैसे जैसे ये पौधा बढ़ता जाएगा वैसे रघुकुल वंश के दीपक की ज्योति भी बढ़ती जाएगी। आशीर्वाद दीजिए महाराज। बेटा, मेरे आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। कई ऋतुएं आई और चली गई, सीता मैया ने दो सुंदर पुत्रों लव कुश को जन्म दिया। अरे लवकुश, कहाँ थे तुम दोनों? गुरुदेव वाल्मीकि कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं? चलो गुरुदेव के पास। अच्छा माँ। प्रणाम गुरुदेव। आशीर्वाद बेटे। बंदेवी, ये तुम्हारे बेटे लव और कुश धनुर्विद्या और सारी विद्याओं में पारंगत हो गए। अब इस सृष्टि में इन्हें कोई नहीं हरा सकता। गुरुदेव, ये सब आप ही के आशीर्वाद का फल है। सूर्यवंशी राम अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हैं, ये तो परम आनंद का समाचार है। गुरुदेव, रघुवंशियों की परंपरा को निभाना राम का कर्तव्य है। किंतु एक अड़चन है। अड़चन क्या है गुरुदेव? यज्ञ फल की प्राप्ति के लिए यज्ञ भूमि में धर्म पत्नी का होना अति आवश्यक है। इस आवश्यकता को मैं इसी समय पूरा कर सकता हूँ। सीता माता कहीं भी क्यों ना हो, यदि प्रभु राम आज्ञा दे तो मैं उन्हें इसी समय यहां ला सकता हूं। मौन धारण करो हनुमान। गुरुदेव, रघुवंशियों की रीति को आप भली भांति जानते हैं, परित्याग की हुई सीता को वापस बुलाना असंभव है, जिससे धर्म और मर्यादा की रक्षा हो। ऐसा कोई उपाय बताइए गुरुदेव। वेद पुराणों की मर्यादा के अनुसार यही एक उपाय है। पति के आसन के निकट धर्म पत्नी की स्वर्ण प्रतिमा को स्थापित करके यज्ञ किया जाए। सीता की एक ऐसी मूर्ति बनाई जाए जिसे देखकर अयोध्या की प्रजा रो पड़े, जिसके कारण मर्यादा पुरुषोत्तम राम को सती सीता का त्याग करना पड़ा था। आपकी आज्ञा का पालन अवश्य होगा गुरुदेव। बालको, ये राजा रामचंद्र के अश्वमेध का घोड़ा है, छोड़ दो इसे। अच्छा, तो अब ये घोड़ा यही रहेगा, हम इसे रखेंगे। भागो यहाँ से, वरना अभी हम लोग हो जाता है। भागते हो क्या नहीं? भागो, भागो, जल्दी भागो, फिर रुक गए, भागो, भागो यहाँ से। लक्ष्मण, दो नन्हे बालकों ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा रोक रखा है, तुम हनुमान जी के साथ जाओ और उसको मुक्त करा लाओ। प्रभु, मुझसे बाल हत्या मत करवाइए। चिंतित न हो लक्ष्मण, हनुमान अपनी युक्ति प्रयुक्ति से उन बालकों का हृदय जीत लेंगे। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। मैं घोड़े पर बैठूंगा, हम दोनों इस सवारी का आनंद लेंगे। अरे नन्हे मुन्ने बालको, अभी तक तुम्हारे दूध के दांत नहीं निकले, झटपट अश्वमेध के घोड़े को छोड़ दो, नहीं तो तुम दोनों को यमलोक पहुंचा दूंगा। मैं बाल हत्या का पाप करना नहीं चाहता। तू तेरा काम कर, नहीं तो हम तुम्हें ही हम लोग पहुंचा देंगे। जय श्री राम। अब कहो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ोगे नहीं? अरे भैया भागो यहाँ से, ये वाला हमें कुचल देगा। बोलो छोड़ोगे या नहीं? भैया कुछ, भैया इस वाले से तो लड़ना ही पड़ेगा लगता है। Oh!
चलो भैया इसे बांध देते हैं, फिर इसकी खबर लेते हैं। ये कैसे हो भैया? बंदर मरने के लिए तैयार हो जाए। जय श्री राम। ठहरो बालको। निशस्त्र पर शस्त्र उठाना क्षत्रिय धर्म नहीं है। धर्म का उपदेश देने वाले आप कौन हैं? मूर्ख बालको, रघुवंशी राम को नहीं पहचानते? अच्छा तो यही अयोध्यापति राम, वही जिन्होंने निशस्त्र बाली के ऊपर छिपकर बाणों का प्रहार किया था, जिन्होंने अपनी धर्म पत्नी को स्वीकार करने से पहले लंका में उसकी अग्नि परीक्षा ली थी। क्या वही है रघुपति राम जिसकी पूजा सारा संसार मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में करता है, जिन्होंने एक धोबी के कहने पर अपनी धर्म पत्नी का परित्याग किया है और अब अश्वमेध यज्ञ करके यज्ञ में सीता की स्वर्ण मूर्ति रखकर यज्ञ का पुण्य कमाना चाहते हैं? तपस्या कुमारी, तुम दोनों कौन हो? आप खोल कर देख लो रघुवर, जो कुछ भी देखना शेष है। याद कर लो, जिसे भी करना है गरज रहा मृत्यु संदेश है। मैया, ये तुम क्या कर रहे हो बेटा? जानकी, माँ क्या यही है वो राम जिनकी कथा हमें वाल्मीकि ऋषि ने सुनाई थी? आज इसी समय इनके जीवन की समाप्ति हमारे हाथों से हो जाने दो माँ। चुप रहो कपूतो, धनुष और बाण छोड़कर अपने पूज्य पिता के चरण छुओ। राम, हमारे पिता? हाँ बेटा, यही तुम्हारे पिता है। नहीं नहीं, जो हमारी माँ पर इतना अत्याचार कर सकता है वो हमारे पिता नहीं हो सकते। जिनके जन्म समय राजमहल में ढोल नगाड़े बजने चाहिए थे उनको वाल्मीकि ऋषि की झोपड़ी मंजूर है, परंतु जिन्होंने अपनी निर्दोष धर्म पत्नी का त्याग किया उनके चरण छूना मंजूर नहीं है। अपनी माँ की आज्ञा का पालन करना तुम्हारा धर्म है बेटी। जो आज्ञा माँ। दादी, हमारी माता ने बहुत दुख सहन किया है। पिताजी, माता जी को स्वीकार करके अयोध्या के राजमहल में वापस ले चलो। बालक अपने आंसू से आपके चरण पखार रहे हैं। सीता माता को स्वीकार करके दोनों बालकों को गले लगा लीजिए प्रभु। सीता को मैं तभी स्वीकार करूंगा जब वो अयोध्या की प्रजा के समक्ष अपनी पवित्रता की परीक्षा दे। पवित्रता की परीक्षा? लंका के युद्ध भूमि में अग्नि परीक्षा दी थी, क्या वो परीक्षा नहीं थी? अरे माता जानकी को बताए बिना उनका परित्याग किया गया, क्या वो परीक्षा नहीं थी? प्रभु, माता जानकी को स्वीकार कर लो, नहीं तो। नहीं पवन पुत्र, नहीं। इस संसार में पापी और धर्मात्माओं का भार सहन करने की शक्ति केवल धरती माता में ही है। जिस धरती माता ने मुझे जन्म दिया है उससे अधिक पवित्र कोई नहीं है। मेरा रोम रोम प्रतिपल यदि राममय रहा हूं
तो मां धरती मुझे अपनी गोद में संभाली। सीधे मातेश्वरी, आपके बिना अब कैसे जिया जाएगा मातेश्वरी? हनुमान अब आपके बिना कैसे जी सकेगा माताजी? धरती के हृदय को चीरकर हमारी माँ को लाकर हमसे मिलाइए, हमारी माँ से मिलाइए। हेरो राम, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये तुम क्या कर रहे हो? सीता तो गई, उसका कर्म पूरा हुआ। अब लवकुश को लेकर जाओ और राम राज्य की स्थापना करो। गुरुदेव की आज्ञा शिरोधारी। जीते रहो लवकुश। लवकुश को राज्य का कार्यभार सौंपने के पश्चात श्री राम जी ने भी जल समाधि ले ली, मानव रूपी शरीर का त्याग कर दिया। जय श्री राम। इति राम कथा समाप्तम। बोल सियावर रामचंद्र की, राम भक्त हनुमान की।